एक जो है सेल, छोटा सा सेल है जिसमें बंद किया गया है और वो 24 घंटे उसी में रहते हैं। उनकी मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है, किसी तरह से वो 1 मिनट के लिए भी उनको बाहर नहीं निकाला जाता। हमेशा आपने ये भी देखा कि इसी जेल में नवाज शरीफ रहा और उसको क्या क्या सहूलतें मिली और क्या क्या उसको जो है फैसिलिटीज, लॉन मिले और वो चलता था और फिरता था और एसी और पत्नी, क्या क्या। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब को किस हालत में रखा गया है और कैसे हमारी उनसे मुलाकात हुई, तमाम तफसीलात आपके सामने रखना चाहूंगा। मुसलसल हम राबता कर रहे थे जब खान साहब को अडयाला जेल ले गए। पहले तो रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया गया और अर्जेंट नोटिस दिया गया कि फौरन पहुंचे, और हम पहुंचे हैं तो बड़ी दहशतगर्दों की तरह हमारी तलाशी ली गई और कहा गया कि कोई चीज़ आपने लेकर नहीं जानी। पहले भी कोई इस तरह का जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक, वो क्या कहते हैं कि एक पेन था या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उनसे साइन करवाने थे, और हमने नोट बनाया हुआ था केसेस के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि 200 के करीब खान साहब के ऊपर केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो वो तफसीलात उनको देनी होती हैं कि इस केस में ये प्रोसीडिंग हुई है, इस केस में ये मामला हुआ है, तो वो उनसे डिस्कस होती हैं और वो जो उनसे हदायत मिलती हैं केसेस के हवाले से वो फिर हम आगे आपस में डिस्कशन करते हैं। तो एक लीगल हवाले से हमारी डिस्कशन और उसको नोट करने के लिए, कुछ अपने नोट्स जो बनाए होते हैं उनसे शेयर करने के लिए वो सारे पेपर्स और सारी चीज़ें हम लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि कोई आपको इजाज़त नहीं है, आप कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकते। बड़ा हमें हैरानगी हुई। एक जगह के ऊपर तलाशी ली गई, ओवरऑल चेकिंग की गई, और हमारे पास तो सिर्फ वही एक पेन और वो पेपर थे, वो उन्होंने ले लिए। दोबारा फिर आगे गए, फिर उसी तरह से तलाशी ली गई। हमने कहा जी हम दहशतगर्द हैं जो आ गए, यानी कि जिंदगी में कभी हमने ऐसा हिस्ट्री में नहीं सुना कि कोई वकील अपने क्लाइंट से मिलता है तो उसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो डिस्कशन के लिए, लीगल डिस्कशन के लिए इन चीज़ों को ले जाने के ऊपर भी पाबंदी हो कि आप पेपर नहीं ले जा सकते, आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले जा सकते, या आप जो है वो पेन नहीं ले जा सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, उसके साथ साथ हमारे दीगर जो सीनियर्स वकला थे उनके साथ भी ऐसा ही रवैया देखने में मिला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और बड़े सीनियर वकला थे। अच्छा, बहरहाल खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब, आप सबको पता है कि हमेशा हम बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमेशा हाई स्पिरिट में होते हैं, और इसी तरह से हमने देखा कि जिस दफ़ा हमारी मुलाकात हुई पिछली दफ़ा से ज़्यादा उनकी जो स्पिरिट्स थी वो बुलंद होती हैं। तो खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब से हमने पूछा, पहली बात तो यह है कि खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ जितना टाइम हो गया खान साहब को जेल के अंदर, उन्होंने सिर्फ एक ये कहा था कि मुझे चलने के लिए, वॉक करने के लिए जो है वो इजाज़त दी जाए, तो उनको इजाज़त नहीं मिली और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वॉक करने का जो है वो इजाज़त दी जाए, कुछ स्पेस दी जाए जहाँ पर मैं वॉक कर सकूँ। तो पहली बात तो ये है कि किसी जगह के ऊपर, किसी कानून में, किसी प्रोसीजर में, किसी जो जेल मैनुअल है उसमें ये जिक्र किसी जगह के ऊपर नहीं है कि आप किसी को चलने की इजाज़त से रोक सकते हैं, आप किसी को जो है इस तरह की पाबंदियाँ लगा सकते हैं। उन्हें एक जो है सेल, छोटा सा सेल है जिसमें बंद किया गया है और वो 24 घंटे उसी में रहते हैं। उनकी मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है, किसी तरह से वो 1 मिनट के लिए भी उनको बाहर नहीं निकाला जाता। हमेशा आपने ये भी देखा कि इसी जेल में नवाज शरीफ रहा और उसको क्या क्या सहूलतें मिली और क्या क्या उसको जो है फैसिलिटीज, लॉन मिले और वो चलता था और फिरता था और एसी और पत्नी, क्या क्या। खान साहब ने कोई डिमांड नहीं की। मैंने पूछा कि जी बी क्लास आपको दे दी गई, उन्होंने कहा कौन सी बी क्लास, क्या बी क्लास। मैंने कहा उसमें होता क्या है, बताया कि वो चला रहे हैं जी कि कूलर आपको मिला है जी। उन्होंने कहा जी नहीं कोई ऐसा नहीं। उसने कहा नहीं कूलर मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि मौसम ठीक है, मुझे कोई उसमें इशू नहीं और मैं तो इस चीज़ की मेरी डिमांड नहीं, और मैंने तो सिर्फ वाक का कहा है। बात यह है कि जो ये खबरें चलाई गई कि उनको बेटर फैसिलिटीज दे दी गई सारी झूठी हैं, और खान साहब ने एक मुतालबा किया कि ओपन ट्रायल वो किया जाए। ओपन ट्रायल क्यों नहीं किया जा रहा है इस केस का, साइफर केस के अंदर खान साहब को इस वक्त गिरफ्तार किया हुआ है, और खान साहब ने कहा है कि ये जो प्रोसीडिंग है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो सबको, सबके सामने होनी चाहिए, लॉयर्स की एक्सेस होनी चाहिए, साफियों की सक्सेस होनी चाहिए, इसको क्यों बंद कमरे के अंदर जो है वो करके, और बंद कमरे के अंदर ही फैसला देने के लिए एक प्लान बनाया गया है।
तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका दिल है कि 5 दिनों में जिस तरह से तोशाखाना केस के अंदर फैसला आया, उसी तरह से ये चाहते हैं कि एक जो है वो प्रोसीडिंग इन कैमरा की जाए और अंदर ही फिर चंद दिनों में फैसला दे के सजा दी जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि तोशाखाना केस के अंदर सजा सस्पेंड हो गई है। तो इस केस में सजा दे के ये चाहते हैं कि खान साहब जो है वो इलेक्शन से जो है वो आउट रहें। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नामुमकिन है, ना ऐसा हम किसी को करने देंगे। इलेक्शन में इंशाल्लाह खान साहब आएंगे और पूरा भरपूर तरीके से खुद वो कंपेन को लीड करेंगे, क्योंकि ये सारे बोगस झूठे केसेस हैं। कोई केस भी लीगल नहीं है, कोई केस भी किसी के अंदर लीगल ऐसी कोई इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई FIR उठा लें, कोई केस उठा लें, सारे पॉलिटिकली बनाए गए हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर ये केसेस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इस्तदा करते हैं कि इसके ऊपर इंटरवीन करें, ओपन ट्रायल होना चाहिए, उनको जो बुनियादी जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज हैं, जो कानून के मुताबिक अलाउ हैं, बेशक वो क्लेम नहीं कर रहे सिर्फ वाक के अलावा, तो वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो डरते हैं खान साहब की तस्वीर से कि खान साहब जो है वो बाहर आएंगे, वीडियो उनकी बनेगी, तस्वीर बनेगी, तो इनका डर दूर किया जाए और बेहतरीन सिक्योरिटी में खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, ताकि जो फेयर ट्रायल है, जो आईन का Article 10A है वो वाजह तौर पर प्रोटेक्शन देता है हर शहरी को, वो ने उनका बुनियादी हक है और उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको गुजारिश करता जाऊं कि खान साहब बड़ा ही ज्यादा खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन लोगों को जो इस वक्त डट के खड़े हैं, जो इन हालात में जिनको घरों के ऊपर रेड किया गया, जिनके जो खवातीन बच्चों और उन पर तशद्दुद किया गया और जिनके रिश्तेदारों को उठाया गया, कारोबार बंद किए गए, जो इस वक्त जेलों में पड़े हैं, हर एक बंदे को खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया है। और खान साहब जो है वो उनका स्पिरिट बहुत बुलंद है और उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी है किसी को प्लेट में नहीं मिलती, इसके लिए डेफिनेटली कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और आपने डट के रहना है। आपका कप्तान कभी आपका जो सर है वो शर्म से झुकने नहीं देगा। लेकिन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने ये देखा कि खान साहब का तो मोराल बहुत बुलंद है, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, ओपन ट्रायल, महफूज खाना जो कि अभी तक हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल थी और अभी तक उस पर फैसला नहीं हो सका, तो महफूज खाना जो है वो हम डिमांड कर रहे हैं कि वो महफूज खाना और उसके साथ साथ दीगर जो हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं, तमाम दरख्वास्तों के ऊपर समात हो, फिक्स हो और उनके ऊपर फैसला है। इसके साथ साथ जितनी दरख्वास्तें जिनमें फैसला पेंडिंग है, तमाम दरख्वास्तों के ऊपर फैसला वो सुनाया जाए, जो फिक्स होती हैं उनको एडजर्न कर दिया जाता है। अर्जेंटमेंट नहीं होनी चाहिए, हर दरखास्त पे फैसला है, ताकि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। एक सबका वजीर आजम के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो आपका मेरे साथ क्या, कैसे हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये मुलाकात का अहवाल था, बाकी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात